हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज भी लोअर सर्किट लगा। नेक्स्ट लेवल्स क्या रह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर, जो कि वन डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, आज ब्राइटकॉम ग्रुप में हाई लगाया था 17.95 रुपीज़ का और लो लगाया 16.75 रुपीज़। हालांकि आज ऊपर जाने की कोशिश किया था ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर ने, ऊपर गया भी था, नीचे गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, बट करीब करीब 12:30-1 बजे अराउंड 1 o'clock इसमें लोअर सर्किट लग गया और बाद में वो सर्किट खुला ही नहीं, प्रेशर बना रहा। अगर आप देखोगे तो मार्केट आज पॉजिटिव था, निफ्टी 0.56% प्लस था, बट निफ्टी आईटी आज 1.20% माइनस था। बट एक हमें एक आशा थी, क्योंकि बाकी सभी शेयर्स पॉजिटिव थे, तो ब्राइटकॉम ग्रुप में आज निफ्टी पॉजिटिव था, तो एक एक्सपेक्टेड था सबको कि आज तो भी सस्टेन कर जाएगा। जब नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा था तो ऐसे लग रहा था कि साइडवेज जाकर क्लोज होगा, बट बाद में फिर से प्रेशर आ गया और लगा दिया लोअर सर्किट। और देखिए, फिर से आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना शेयर नीचे जा रहा है डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है। कल 30% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज था, आज है डिलीवरी परसेंटेज 45%, जो कि ठीक ठाक है डिलीवरी परसेंटेज। मतलब अभी भी ऑपरेटर एक्टिव है और वो इसमें ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं। एक ही दिन में ऊपर जाता है जब ये शॉर्ट कर देते हैं, और आखिरी में आप देखोगे तो काफ़ी ऑर्डर का जो प्रेशर था बढ़ते गया था, बट फिर भी दोपहर को अगर देखोगे आप, जब लोअर सर्किट लगने के पहले बायर्स बने हुए थे, बट सेलर ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे सब ऑर्डर्स ख़त्म हो गई और आखिर में लोअर सर्किट में क्लोज हुआ। बीएससी में तो जल्दी लग गया था लोअर सर्किट, एनएससी में उसके 10-15 मिनट बाद लोअर सर्किट लगा। सेलिंग के लिए एम ऑर्डर लगी हुई है अराउंड 5,35,000 शेयर्स की एनएससी पर, और बीएससी पर जब 4 बजे तक देखा था तो सेलिंग ऑर्डर अराउंड 11 लाख शेयर्स की लगी हुई थी। अब देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, तो नेक्स्ट लेवल रहेगा इसके अंदर, अभी देखिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे है, एकदम बॉर्डर पे है, 16.75 रुपये, 16.75 रुपीज़, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। इसको ब्रेक किया तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके लिए आगे का अराउंड 16 रुपीज़, जो कि कल अगर एक लोअर सर्किट लगाता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर जाकर रुकेगा, वहाँ से रिवर्स नहीं लिया तो आगे कोई सपोर्ट नहीं है, फिर डायरेक्ट 12 रुपीज़ तक भी जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट। आज तो मार्केट पॉजिटिव था, बट अगर कल मार्केट में गिरावट रही तो वो बहाना मिल जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑपरेटर लोगों को गिराने के लिए, और भी इसको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, 12 रुपीज़ से ऊपर गया था तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक बार पैनिक हो जाता है तो पैनिक में लोग फिर प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं। किसी को रुकना होता नहीं है, क्योंकि सभी लोग उच्च रेट में बाय करके बैठते नहीं हैं। वो लोग यही सोचते हैं कि मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, जितना मिल रहा है उतना ही लेकर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, और ये प्रेशर में गिरावट शुरू हो जाती है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए कि उन्होंने 12 रुपीज़ में लिया था, किसी ने 13 में, किसी ने 14 में, किसी ने 15 में, तो उन्होंने कल भी प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नीचे के लेवल से लेते हैं, और उनके लिए इतना प्रॉफिट भी बहुत हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म का नज़रिया नहीं रखते हैं, ऐसे लोग भी मार्केट में रहते हैं। और इसीलिए सभी लोग इन्वेस्टर नहीं होने के कारण, ट्रेडर जो लोग होते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं, और उसी के कारण शेयर नीचे आ जाता है, वैसा ही ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी हो रहा है। अब देखिए, कल TCS का रिजल्ट है और परसों है इंफोसिस का रिजल्ट, वो अगर धमाकेदार आता है, मार्केट के हिसाब से आता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकती है। बट अभी जो नेक्स्ट लेवल मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे है, इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 16 रुपीज़ के आसपास, 16.20 रुपीज़ का, वहाँ पे जाके रुका कल, तो वहाँ से रिवर्स भी ले सकता है, उसको ब्रेक किया तो नीचे भी जा सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप प्रॉफिट में होंगे, आपने रिसेंटली लिया होगा, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहिए, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आपने कम रेट में लेके रखा होगा, होल्ड करना होगा तो आप कर भी सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।